और चलिए विस्तार से खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देश के लिहाज से एक बड़ी जानकारी, चीन के सरकारी अखबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई है। पीएम मोदी की तारीफ में ग्लोबल टाइम्स में एक लेख लिखा है, आर्टिकल लिखा गया है, पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से विकास हुआ भारत का, ये लिखा गया इस अखबार में। ये बड़ी बात अपने आप में कि चीन के अखबार में भारत के किसी नेता की तारीफ हो रही है, खासतौर पर प्रधानमंत्री की, जो ग्लोबली एक बेहतरीन लीडर के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। ग्लोबल टाइम्स भारत में तेजी से सामाजिक आर्थिक विकास को लेकर जिक्र इस अखबार में, विश्व का नेतृत्व करने की दिशा में भारत बढ़ा है, पिछले 4 साल में भारत की प्रगति शानदार रही है। चीन के एक अखबार में ग्लोबल टाइम्स में इस बात का जिक्र, भारत से तेजी से निर्यात बढ़ा, लेख में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ, भारत में तेजी से सामाजिक और आर्थिक विकास को लेकर भी बात लिखी गई। उधर राजधानी भोपाल में जूनियर डॉक्टर ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, रूटीन सेवाओं का बहिष्कार कर दिया है जूडा ने। तो दोपहर 2 बजे के बाद इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार किया जाएगा, इस बात की चेतावनी पहले ही दे दी गई है जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से। डॉक्टर अरुणा कुमार की जीएमसी में वापसी का विरोध कर रहे हैं, आदेश वापस नहीं लेने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। आपको याद होगा पूरा मामला, डॉक्टर सरस्वती सुसाइड केस, जिसमें जूनियर डॉक्टर्स ने डॉक्टर अरुणा कुमार पर ही गंभीर आरोप लगाए थे प्रताड़ित करने के। उन्हीं अरुणा कुमार की जब वापसी होती है तो जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर से हड़ताल पर, जिससे उनकी वापसी ना हो पाए इसी मांग को लेकर अड़े हुए हड़ताल पर, ना सिर्फ सामान्य सेवाओं का बल्कि इमरजेंसी सेवाओं के बहिष्कार की भी चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है। सही, वासु चौरे हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। वासु, अरुणा कुमार शायद डॉक्टर सरस्वती केस से जुड़ा हुआ पूरा नाम है, ये भी बताएगा कि जूनियर डॉक्टर्स कौन कौन सी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, आगे क्या कुछ हो सकता है। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर अरुणा कुमार जो हैं वो गायनो विभाग में पदस्थ थीं और उनके ही कार्यकाल के दौरान जो डॉक्टर सरस्वती हैं, जूनियर डॉक्टर थीं रेसिडेंट हमीदिया की, उन्होंने सुसाइड कर लिया था और इस सुसाइड के बाद तमाम सारे जो गंभीर आरोप हैं वो ना सिर्फ डॉक्टर सरस्वती के परिवारजनों ने बल्कि तमाम गायनो डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अरुणा कुमार के खिलाफ लगाए थे और बेहद गंभीर ये आरोप थे। प्रताड़ित करने के तक ये जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं लगाए गए थे और एक लंबी स्ट्राइक उनके खिलाफ जूनियर डॉक्टर्स की ओर से की गई थी, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए अरुणा कुमार को चिकित्सा संचालनालय में भेज दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से नया आदेश शासन की ओर से जारी किया गया है, जिसमें यह बात का उल्लेख है कि डॉक्टर अरुणा कुमार को वापस गांधी मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाओं के लिए भेजा जा रहा है। इसके बाद जूनियर डॉक्टर्स में रोष है और कल ही से जो विरोध का दौर है वो शुरू हो गया था। कल काली पट्टी बांधकर जूनियर डॉक्टर्स ने काम किया है और आज सुबह 8 बजे से तमाम सेवाओं का बहिष्कार करने की जो है वो सामने आ रही है। पहले चरणबद्ध रूप से रूटीन सेवाओं का जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो बहिष्कार करेंगे, 2 बजे तक अगर कुछ फैसला नहीं होता है तो इमरजेंसी सर्विसेज का भी जो गायनो डिपार्टमेंट के जूनियर डॉक्टर्स हैं वो बहिष्कार कर देंगे और फिर अगर इस पूरे मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तो जूनियर डॉक्टर्स जो पूरे हमीदिया के तमाम जूनियर डॉक्टर्स हैं सभी विभागों के वो काम बंद हड़ताल पर चले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है क्योंकि हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल के सबसे बड़े अस्पतालों में काउंट होता है और ना सिर्फ भोपाल के बल्कि आसपास के जिलों के भी कई के जो मरीज हैं वो हमीदिया अस्पताल पहुंचते हैं और जूनियर डॉक्टर्स यहां पर अपनी सेवाओं को और हमीदिया की सेवाओं को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अगर ऐसे में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल करते हैं तो इसका सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर दिखाई देगा और मरीजों के लिए ये मुसीबत का सबब बन जाएगा। कल ही डीन को जूनियर डॉक्टर्स ने एक लेटर लिखा था और बताते भी है वासु कि मैं शायद खाना पूर्ति के लिए पहले कार्रवाई की गई थी। वासु बने रहेगा आप हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो एक तरफ जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल, दूसरी तरफ स्वास्थ्य को लेकर सवाल इसलिए भी क्योंकि जो मौसम है लगातार परिवर्तित हो रहा है। मध्य प्रदेश के 6 ऐसे जिले हैं जहां बारिश की संभावना है, भोपाल, सागर, नर्मदापुरम में बारिश हो सकती है, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में भी बारिश की संभावना है, बादलों और बूंदाबांदी से दिन के तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है, अधिकतम पारा 7 डिग्री तक हो सकता है, इस तक की गिरावट का अनुमान पहले से लगाया गया है क्योंकि अलग अलग जिलों में आपने देखा कल झमाझम बारिश भी हुई है। भोपाल सहित आसपास के जिलों में
बारिश को लेकर पहले भी सूचना जारी की गई थी। सहयोगी वासु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। वासु, कल की बारिश और आने वाले समय में भी राहत की कोई आसार नहीं, क्या संभावनाएं? निश्चित तौर पर देखिए, राजधानी भोपाल समेत मध्यप्रदेश के अधिकांश जिलों में मॉनसून जैसे जो बारिश का दौर है वो देखा गया और झमाझम बारिश हुई। इस झमाझम बारिश के चलते जहां कई जिलों में कोहरा घना हो गया है और विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम हो गई है, तो वहीं पारा लगातार लुढ़क रहा है जिसके चलते आम लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। ठंडी हवाएं दिन भर चलती रहती हैं, सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं और इसी के चलते जो ठंड है, जो ठिठुरन का दौर है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। लोग जैसे तैसे खुद को ठंड से बचाते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरीके का मौसम आने वाले दिनों में भी बना रहने के जो आसार हैं वो मौसम विभाग की ओर से व्यक्त किए जा रहे हैं। मकर संक्रांति के त्योहार के बाद यानी कि 14-15 जनवरी के बाद धीरे धीरे जो है तापमान में वृद्धि का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन तब तक लोगों को इस तरीके के सर्द मौसम से दो चार होना पड़ेगा और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी, डॉक्टर्स की ओर से भी ये एडवाइजरी है कि लोग अपनी सेहत का बेहद ध्यान रखें, क्योंकि सर्दी और मौसमी बीमारियां ऐसे सीजन में आपको घेर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं और खासतौर पर बुजुर्गों को और बच्चों को विशेष तौर पर सावधान और सतर्क रहने की, अलर्ट रहने की जो जरूरत है वो बताई जा रही है। आज भी अगर आप बात करें तो भोपाल के आसपास के सीहोर, नर्मदापुरम, रायसेन जैसे जो जिले हैं वहां पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा मालवा निमाड़ के कुछ क्षेत्रों में जो मौसम है वो लोगों को प्रभावित कर सकता है। महाकौशल विंध्य भी इससे अछूता नहीं रहने वाला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में इसी तरीके का दौर है। सुमित जी, जी बिल्कुल वासु, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नगरीय निकाय और पंचायत उपचुनावों के लिए मतदान आज है। पंचायतों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। नगरीय निकाय में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। नगरीय निकाय की मतगणना और परिणामों की भी घोषणा 9 जनवरी की सुबह 9 जनवरी की सुबह होगी। 9 बजे से पंचायत पद के लिए मतगणना, मतदान के तुरंत बाद और केंद्र में ही होगी, मतदान केंद्र में ही होगी। मतलब पंचायत चुनाव के लिए मतगणना 9 जनवरी को विकासखंड मुख्यालय पर सुबह 8 बजे से होगी। सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य पद के परिणामों की घोषणा 9 जनवरी को, जिला पंचायत सदस्य के परिणाम की घोषणा 11 जनवरी को। 9,220 पंच, 56 सरपंच, 15 जनपद पंचायत सदस्य और 1 जिला पंचायत सदस्य के लिए उपचुनाव हो रहा है। विभिन्न नगरीय निकायों में 20 पार्षद पद के लिए उप निर्वाचन भी होना है। और अगली बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां जेल जाने वाली है घोटालेबाज महिला सरपंच। 3 पूर्व महिला सरपंच से 4 पूर्व सरपंच जेल जाएंगे। विकास कार्यों में घोटाले करने वाले पूर्व सरपंच जेल जाएंगे। चारों पूर्व सरपंचों को 1 महीने के लिए जेल भेजा जाएगा। 4 पंचायत में 27,95,000 का घोटाला हुआ था। अंतिम नोटिस के बाद भी घोटाले की राशि जमा ना करने पर जेल जाने का आदेश दिया गया। अब करहिया ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच गुड्डी बाई बाथम भी जेल जाएंगे, ये उनका नाम भी बीच में आता है। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, बताइएगा पूरा मामला। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में जो पूर्व सरपंच है जिन्होंने अपने कार्यकाल में विकास कार्यों में घोटाला किया था, इन घोटालेबाज सरपंचों को अंतिम अवसर दिया गया था कि जो घोटाले की राशि है उजागर होने के बाद वो सरकारी खाते में जमा कराई जाए। कई सरपंचों ने तो इसमें राशि जमा करा दी थी, लेकिन 4 पूर्व सरपंच ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक राशि जमा नहीं कराई थी। जब इनको जेल जाने के लिए अंतिम नोटिस दिया गया उसके बाद भी इन पूर्व सरपंचों ने इस राशि को जमा नहीं कराया। यही वजह है कि आखिर में जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार सिंह ने इन 4 पूर्व सरपंचों के जेल आदेश जारी कर दिए हैं। इन सभी 4 पूर्व सरपंचों को गिरफ्तार करके अब 1 महीने के लिए जेल में डाला जाएगा। और इन सरपंचों में अगर देखें तो 3 महिला सरपंच है। ये करहिया ग्राम पंचायत की सरपंच गुड्डी बाथम है, ईटमा ग्राम पंचायत की सरपंच रामश्री, हर्षी ग्राम पंचायत की गुड्डी देवी और बारोल के सरपंच मुन्नालाल आदिवासी। इन 4 पूर्व सरपंचों को अब जेल जाना होगा और निश्चित तौर पर घोटालेबाजी करने वाले इन सरपंचों ने जब अंतिम नोटिस के बाद इस मामले में राशि जमा नहीं कराई तो फिर ये बड़ी इन लोगों के लिए एक कार्रवाई कही जाएगी। तो अब तक करीब इस साल देखें तो 50 से ज्यादा पूर्व सरपंचों को जेल आदेश हुए हैं ग्वालियर जिले में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सीएम की बात कर लेते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज रीवा जाएंगे, विवेकानंद पार्क से अपनी जन आभार यात्रा की शुरुआत करेंगे। सीसी मैदान में हितग्राहियों का सम्मान भी करेंगे मुख्यमंत्री। तमाम ऐसे कार्यक्रम जिनमें व्यस्तता आज रहेगी डॉक्टर मोहन यादव की। विवेकानंद पार्क से जन आभार यात्रा को शुरू करना है, सीसी मैदान में हितग्राहियों का सम्मान भी करना है। हो सकता है कि चर्चा इस दौरान करें स्थानीय लोगों से, कार्यकर्ताओं से। लगातार आप ये सिलसिला देख रहे हैं, विकास कार्य की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे। और अगली खबर पन्ना से, जहां अधिकारी कर्मचारी सरकार की योजनाओं के प्रति कितने लापरवाह हैं, इसका उदाहरण पवई विधानसभा से सामने आया। यहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अधिकारियों की गैर मौजूदगी से पवई विधानसभा से बीजेपी के विधायक प्रहलाद दोधी खुले मंच से अधिकारी कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर यात्रा में अधिकारी मौजूद नहीं रहेंगे, गरीब तक हमारी सरकार की योजनाएं फिर कौन पहुंचाएगा? ऐसे लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। तुम बैंक क्यों नहीं आए? उनके बाप का राज है का? हमारे किसान बड़े सारे हैं, लोग घूमते हैं, चक्कर काटते हैं, यहाँ जवाब दे रहे सबके बीच में, क्यों नहीं बुलाए जाते? उनके बिजली विभाग से कौन है? उनके बाप का राज है, जनता का राज है, क्यों नहीं आते? कल भी मैंने कहा था, सारे आपस में बैठे हुए। अब इंदौर से बड़ी खबर, जहां प्रभात फेरी में हत्या का खुलासा हो गया है। दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए हैं जबकि एक फरार। तो हत्या में प्रयुक्त चाकू का भी जब्ती हो चुकी है। इस चाकू की धक्का लगने की बात पर विवाद हुआ था। रणजीत हनुमान मंदिर की ये पूरी प्रभात फेरी थी, 8 थाना प्रभारियों का बल यहां लगा हुआ था, इसके बावजूद यहां पर वारदात हुई। 150 से ज्यादा पुलिस बल तैनात था, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन फिर भी ऐसी घटना घटित हो गई। दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं जबकि एक फरार बताया जा रहा है। हत्या में इस्तेमाल चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस प्रकार वारदात के समय की तस्वीरें सामने हैं, उसके बाद फौरन पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी होती है। बड़ी बात यह कि महज मामूली सी बात को लेकर इतना बड़ा हत्याकांड सामने आया, जब लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी इस प्रभात फेरी में रही। सुबह मर्डर हुआ, शाम में खुलासा, और उसके बाद पुलिस की तरफ से दो आरोपियों को पकड़ा भी गया। पुलिस ने गंभीरता दिखाई इस मामले में। प्रभात फेरी में जिस तरीके से एक युवक पर पहले हमला किया गया लात घूंसों से, फिर उसके बाद चाकू मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया, ये सुबह मर्डर हुआ और शाम को पुलिस ने खुलासा कर दिया। दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। और अगली बड़ी खबर बैतूल से है, जहां दो सगे भाइयों की पिटाई का मामला सामने आया था। एक भाई रविकांत की हालत अब नाजुक बताई जा रही है। पिटाई से रविकांत को लकवा मार गया है और दूसरे भाई रमाकांत की हालत स्थिर है। शराब ठेकेदार के गुर्गों ने इनकी पिटाई की थी। नागपुर के निजी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। पिटाई का ये पूरा मामला, जिसमें से एक व्यक्ति की हालत बहुत ज्यादा गंभीर, दूसरा व्यक्ति उसी हालत में अस्पताल में भर्ती, हालांकि गंभीर ये पूरी वारदात रही। शराब ठेकेदार के गुंडों ने पिटाई की थी, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। इसे लेकर अपडेट यही कि एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुआ है, लकवा मार गया है, नागपुर के निजी अस्पताल में फिलहाल भर्ती है। राजधानी भोपाल के कई इलाकों में बिजली गुल रहने वाली है। 15 से ज्यादा इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली कटौती होगी। वजह बताई जा रही है, मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसी के चलते 6 घंटे तक बिजली की कटौती आपको झेलनी पड़ेगी। कुछ जगहों पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कटौती होगी, कुछ इलाकों में सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक कटौती होगी। इसी प्रकार का सिलसिला राजधानी भोपाल में आप देखेंगे। आज
बिजली कटौती की समस्या से कुल मिलाकर जूझना पड़ेगा। मेंटेनेंस का काम चलेगा और इसी मेंटेनेंस के काम के चलते कई ऐसे इलाके जो बिजली कटौती की समस्या से आज प्रभावित रहने वाले। समय भी निर्धारित किया गया है, पहले से डिक्लेयर किया गया है, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कटौती कुछ इलाकों में, और कुछ ऐसी कॉलोनियां जहां सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक महज 1 घंटे की कटौती। और खंडवा में स्कूल में धमकी भरा पत्र मिलने के मामले का खुलासा कर दिया गया है। स्कूल के ही एक छात्र ने शरारत की थी। छात्र नाबालिग है। खंडवा पुलिस ने कहा कि जांच में स्थिति स्पष्ट हो गई है। आपको बता दें कि स्कूल में ताले में चिपका धमकी भरा पत्र मिलने के बाद सनसनी फैल गई थी। पत्र में ISI संगठन का जिक्र करते हुए स्कूल और खंडवा शहर सहित देश के 8 राज्यों और प्रधानमंत्री को बम से उला देने की धमकी की बात लिखी हुई थी। खंडवा जिले के खालवा विकासखंड के पटाजन हायर सेकेंडरी स्कूल का मामला था। स्कूल के प्रभारी प्राचार्य ने पुलिस को सूचित किया। बड़ी खबर देवास से, जहां 307 और आर्म्स एक्ट के आरोपी शहर काजी अबुल कलाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है और कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने एक दिन की पुलिस रिमांड पर इस व्यक्ति को भेज दिया। शहर काजी अबुल कलाम SC ST और NDPS के जज दिनेश प्रसाद मिश्रा ने एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। इसके बाद MG अस्पताल में शहर काजी का मेडिकल कराया गया। पुलिस उसे अपने साथ ले गई, उसे पूछताछ की जाएगी। आपको बताएं कि 31 अगस्त 2023 सिल्वर कॉलोनी में हुए विवाद में काजी की पेशी थी और शहर काजी एक युवक पर बंदूक लेकर दौड़ा था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। वहीं हिंदू संगठनों के हंगामे के बाद शहर काजी पर FIR दर्ज हुई। शहर काजी पर 5,000 रुपए का इनाम भी था। अभियुक्त एक दिन का रिमांड लिया गया है और जब्ती की प्रक्रिया पश्चात कल आरोपी को पुनः न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर, क्या क्या सामान जब्त किया गया आज? आरोपी से अपराध में उपयुक्त की गई लाइसेंस की रिवॉल्वर और लाइसेंस जब्त किया जाएगा। तो 7 के अपराध में आज शहर काजी अबुल कलाम को न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जहां हमारे द्वारा एक दिन का पुलिस रिमांड, चूँकि शस्त्र और कारतूस जो खाली खोके हैं वो जब्त होना है, तो उसके लिए एक दिन का पुलिस रिमांड न्यायालय से निवेदन किया गया था। न्यायालय ने हमारा निवेदन स्वीकार कर एक दिन का पुलिस रिमांड स्वीकृत किया है। कल शाम 5 बजे तक का पुलिस रिमांड स्वीकृत किया गया। और मंडला जिले में पुलिस से संपर्क करने के लिए दूरी कम करने की कवायद भी की जा रही है, जिससे फरियादियों को अब राहत मिलेगी। अब थाना चौकियों की नई सरहद बनेगी, जिसके लिए आम जनता से पुलिस सुझाव ले रही है। जनता से मिलने वाले सुझावों पर अमल करते हुए कमेटी थाना और चौकियों की नई सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि थाने से जुड़े गांव को पास के थाने से जोड़ा जाएगा, इसलिए फरियादियों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। और पूरा देश इस समय राममय है, क्योंकि 22 जनवरी का दिन अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और ऐसे में हम आपको मिलवाते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक प्रमोद झा से। प्रमोद जी के पास भगवान राम की धरोहर है। प्रमोद झा, जिनके पास धरोहर है भगवान राम की, कहा जाता है 6 दिसंबर 1992 घटना हुई, उसके बाद भगवान राम के कपड़े प्रमोद जी अपने साथ लेकर आ गए। खबरों में अब रुख करते हैं बुरहानपुर का और मिलाते हैं करोड़पति किसान से। इनका नाम विठल पाटिल है। पाटिल ऐसी कौन सी खेती करते हैं कि उनका इतना नाम हो गया, आइए आपको बताते हैं। बुरहानपुर के किसान ने मिसाल पेश की है। किसान ने नौकरी छोड़कर खेती शुरू कर दी, खेती भी ऐसे कि अब वो किसान करोड़पति बन गया है। ये किसान है डापोरा गांव के विठल पाटिल, जो शिक्षक की नौकरी करते थे, लेकिन कुछ अलग करने की चाहत ने उनको शिक्षक से किसान बना दिया। सन 1974 में मैंने टीचर ट्रेनिंग किया, गवर्नमेंट ट्रेनिंग। उसके बाद में 1977 में मैंने माध्यमिक शाला धमन गांव में ज्वाइन किया और साथ में हम शाम में फिर खेती का ही काम संभालते थे। खेती का वैसे मैंने 86 के बाद में सर्विस छोड़ दी, सतत मतलब खेती से जुड़ा हूँ।
और खेती में कैसा है, मैं नवाचार के हिसाब से हर वर्ष नए नए प्रयोग करके अधिक उत्पादन कैसे लेना, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कैसे लेना, उसमें लागत कम कैसे करना, ये मैं प्रयास करते रहता हूँ। विट्ठल पाटिल केले की खेती करते हैं। केले के उत्पादन से वो सालाना करीब 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। बताया जा रहा है कि केले का निर्यात ईरान, इराक और दुबई तक होता है। यही नहीं, विट्ठल पाटिल गांव के 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। मुझे पहले 2011 में जैन इरिगेशन सिस्टम से हाईटेक बनाना का पुरस्कार मिला 51,000 रुपए का। उसके बाद में माननीय मोदी जी जो गुजरात में मुख्यमंत्री थे 2013 में, उस समय उनके हाथों से हमें वाइब्रांट गुजरात महात्मा मंदिर अहमदाबाद के पास में है वहाँ पे उनके हस्ते श्रेष्ठ किसान पुरस्कार कृषि एवं संलग्न क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला है। केले के साथ विट्ठल पाटिल कपास, गेहूं, मक्का और गन्ने की भी फसल करते हैं। उनको श्रेष्ठ कृषक का अवार्ड भी मिल चुका है। अब खेती के गुर सीखने के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों का दल भी यहाँ खेती की तकनीक जानने के लिए आ चुका है। कुल मिलाकर एक नौकरी छोड़कर विट्ठल पाटिल ने करोड़ों रुपए का व्यापार खड़ा कर दिया है और कई लोगों को रोजगार भी दिया है। बुरहानपुर से गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज 18। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।